ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस। देखो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, किसकी वैल्यू कॉपी होती है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कॉपी नहीं होगा, यहाँ पे एड्रेस कॉपी होगा। आया समझ में, किसका एड्रेस छोड़ दो मत खोलो। ठीक है, अब सीधा 10:30 बजे खोलना जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, क्या होगा, यहां पे एड्रेस पास होगा वेरिएबल का, ठीक है, एज ए एक्चुअल पैरामीटर। जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो वहां पे हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। तो जब पैरामीटर पास करेंगे तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं करके हम लोग क्या पास करेंगे, एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास। अब इससे क्या होगा, एड्रेस पास करने से एक्चुअल वैल्यू जो होगी, मीन्स जो भी हम लोग वहां पे वेरिएबल पास करने वाले थे, हम लोग क्या किए, उसका एड्रेस पास किए, तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल के अंदर में जो भी वैल्यू होगी डायरेक्टली उसको मॉडिफाई करेगा। आया समझ में, डायरेक्टली किसको मॉडिफाई करेगा, एक्चुअल वैल्यू में डायरेक्टली मॉडिफाई करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कहीं कॉपी नहीं हो रही है, वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही चेंजेस करेगा। आया समझ में। थर्ड पॉइंट है, इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ऑल द ऑपरेशंस इन द फंक्शन आर परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, एंड द मॉडिफाइड वैल्यू गेट स्टोर्ड एट द सेम एड्रेस। इसका क्या मतलब हुआ, जो फॉर्मल पैरामीटर है और एक्चुअल पैरामीटर है, जैसा मेमोरी एलोकेशन होता था वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पैरामीटर ही होगा। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर वहां पे एड्रेस के रूप में आएगा, मींस वो भी एक वेरिएबल है, वो भी क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन उसके पास सिर्फ एड्रेस रहेगा। ठीक है, अब वो एड्रेस होल्ड कैसे करेगा, वो आगे जब एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज आएगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा पॉइंटर का, किसका, पॉइंटर का। ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है, लाइक यहाँ पे मैं बताता हूँ, पॉइंटर वेरिएबल जो होता है, ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें जिसमें हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, किसके एड्रेस को, वेरिएबल के एड्रेस को। आया समझ में, जैसा नॉर्मल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखा इंट एक्स, ठीक है, या फिर इंट ए लिख लिया। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, इंट एस्ट्रिक ऑफ ए, अब ये क्या बन जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। ठीक है, क्या बन गया, पॉइंटर बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है,
इनडायरेक्शन ऑपरेटर हम लोग किसी भी वेरिएबल के सामने अगर लगा दें तो वो नॉर्मल वैल्यू स्टोर ना करके उसका एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, आया समझ में? अब बात यह है कि इस पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस कैसे दिया जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसा नॉर्मल इनिशियलाइज करते हैं वैसा ही करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस्ट्रिक ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, बी हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है और एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, बी के पास भी एक मेमोरी लोकेशन होगा, होगा ना? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी का एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे एम परसेंट बी, क्या लगा है, एम परसेंट बी, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ बी, क्या होता है, एड्रेस ऑफ बी, जैसा हम लोग स्कैनएफ में लिखते हैं वैसा ही वहां पे भी क्या पास होता है, एड्रेस पास होता है। ठीक है, एड्रेस पास होगा। ठीक है, और एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। आया समझ में, किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। ए किस टाइप का है, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब पूरा खेल इसी पे डिपेंड करता है, पॉइंटर वेरिएबल पे। आया समझ में, पॉइंटर वेरिएबल समझ में आया? इसकी कहानी जो है हम लोग फोर्थ यूनिट में फिर से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक, ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल में। ठीक है, सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, एक void change नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, हम लोग यहां डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर लिया, इसको डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब बात आती है यहां पे डिफाइन करने की, तो यहां पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, void change int asterisk of num, ये num क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, और एस्ट्रिक ऑफ num प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो num की जो वैल्यू होगी, अब इसके अंदर एड्रेस स्टोर है, क्या स्टोर है, एड्रेस स्टोर है। ठीक है, एड्रेस स्टोर है, तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा, वहां से वैल्यू लेके आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंट डी लिख दिया है। ठीक है, क्या लिख दिया है, परसेंट डी, इसका मतलब वो वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा, किसके एड्रेस पे जाके, इस num के एड्रेस पे जाके। अब num के पास क्या एड्रेस है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, अगले लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिक ऑफ num प्लस इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या होगा, num इक्वल टू num प्लस 100। ठीक है, पॉइंटर है num, ठीक है, तो क्या होगा, num इक्वल टू num प्लस 100, हम लोग num की वैल्यू में 100 को ऐड कर रहे हैं, और किस में स्टोर कर रहे हैं, वापस से num में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे दिया हुआ है प्रिंट एफ आफ्टर एडिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन num इक्वल टू परसेंट डी एस्टिक ऑफ num। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू अब अपडेट हो चुकी थी, हम लोग उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन में। ठीक है, हमारा प्रोग्राम इस मेन से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन से स्टार्ट होगा। अब सबसे पहला यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, साथ में इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, एक्स इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू क्या है, 100 है। ठीक है, एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक्स एक नॉर्मल वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी एस्टेरिस्क नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, सेकंड लाइन में यहाँ पे प्रिंट है बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी, और हम लोग एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 100 प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेंज को कॉल किए, चेंज हमारा क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। चलो ये क्या है, फंक्शन है, और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, फंक्शन को क्या किए, कॉल कर लिए। ठीक है, अब फंक्शन कॉल हम लोग यहाँ पे कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग ने इस
यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, क्या पास किया है? पैरामीटर पास किया है। किस टाइप का पैरामीटर है? किस टाइप का पैरामीटर है? ठीक है, यहाँ पे क्या पास कर लिए हम लोग? एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इन फंक्शन। ठीक है, पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन, यहाँ पे दिख रहा है पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन। अगर हम लोग किसी का भी एड्रेस पास करते हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस एक्स का एड्रेस पास किए। अब कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा? इस फंक्शन डेफिनेशन के पास चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस पास किए और यहाँ पे क्या हमने बनाया है? पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो इस एक्स का एड्रेस अब किस में आ जाएगा? इस पॉइंटर नम में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस स्टोर है, क्या स्टोर है? एड्रेस। किसका एड्रेस? एक्स का एड्रेस। वेरिएबल एक ही बनाया है हमने, वेरिएबल एक ही बनाया है, इसी वेरिएबल का एड्रेस यहां पे पास कर दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी और एस्ट्रिक ऑफ नम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आया एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉइंटर नम को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ एक्स। वो कहाँ चले जाएगा? उस एक्स के एड्रेस में चले जाएगा। वहां पे उसको जो वैल्यू मिलेगी वो उसको एक्सेस करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, किस पे चले गया? एड्रेस ऑफ एक्स में गया और जो वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू है एक्स में? 100 वैल्यू है। ठीक है, तो 100 वैल्यू को वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ है, 100 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग? नम इक्वल टू नम प्लस 100। तो क्या करेगा वो? पहले वैल्यू क्या थी नम में? 100 थी। अब उसको क्या करेगा? 100 से प्लस कर देगा। ठीक है, अब नम की वैल्यू क्या हो गई? 200। ठीक है, नम में क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स में क्या स्टोर है? 100। ठीक है, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। ठीक है, वो सीधा इस x में ही अपडेट कर दिया। क्या किया? नम के पास एड्रेस है x का। ठीक है, x के पास गया, उसके पास एक वैल्यू मिली 100, उसमें जाके प्लस 100 कर दिया। प्लस 100 किया और वापस से वहीं पे स्टोर कर दिया, मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही अपडेट कर दिया। यहाँ कहीं भी वैल्यू कॉपी नहीं हुई है, ओरिजिनल वैल्यू का ही एड्रेस पास करके ही हम लोग अपडेट कर रहे हैं। आया समझ में? तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई? 200 हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी और एस्ट्रिक ऑफ नम, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा? 200 प्रिंट होगा। ठीक है, अब कोई और स्टेटमेंट है नहीं, तो वापस कहाँ कंट्रोल आ जाएगा? मेन के अंदर आ जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी, एक्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा? एक्स इक्वल टू 200। आया समझ में? तो यहाँ हमने एक ही वेरिएबल बनाया और उसी वेरिएबल पे ही अपडेशन कर दिया। ठीक है, उसी की वैल्यू हम लोग मॉडिफाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है हमारा? हम लोग ने एक ही बार मेमोरी लिया। ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन को हम लोग एड्रेस के थ्रू उसको अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, एड्रेस के थ्रू हम लोग अपडेट कर रहे हैं।
ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में यही डिफरेंस है कि हम लोग कॉल बाय वैल्यू में अलग अलग वेरिएबल लेते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक ही वेरिएबल ले रहे हैं और हर जगह उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है, सारा चीज उसी में अपडेट होगा। क्लियर? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, डिफाइन जब हमने किया यहाँ पे तो सेम नेम से डिफाइन किया और यहाँ पे हमने क्या पास किया है, पॉइंटर वेरिएबल पास किया। पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है, हमको एड्रेस का ही काम है इसलिए हम लोग यहाँ पॉइंटर वेरिएबल ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, और यहाँ पे हमने एस्टिक ऑफ नम प्रिंट कर लिया, मीन्स पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट किया। अब जो भी इस वेरिएबल में एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जाएगा, वहां से जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, नम में जो एड्रेस है उसके पास जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस 100 कर देगा और वापस से किस में स्टोर करेगा, सेम एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करें, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन परसेंट डी और एस्टिक ऑफ नम, अब यहां पे वैल्यू अपडेट हो चुकी है, जो भी वैल्यू थी उसमें प्लस 100 कर दिए, ठीक है, और उसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पे, असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स, एक्स इक्वल टू 100, एक्स वेरिएबल हमने बनाया, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते समय पे इनिशलाइज कर दिए। नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी और एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट होगा, बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू 100, एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, 100, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग ने चेंज को कॉल किया, ये है फंक्शन कॉल, और यहाँ पे एज ए एक्चुअल पैरामीटर हमने क्या पास किया, रेफरेंस, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स पास किया। इसको हम लोग बोलते हैं पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन, क्या बोलते हैं, पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन, ठीक है। जब भी हम लोग एड्रेस पास करते हैं कहीं पे भी हम लोग उसको रेफरेंस बोलते हैं, तो यहां पे हमने पास कर दिया एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का एड्रेस पास किया, डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं किया है, एक्स का एड्रेस पास किया, ठीक है। इस चेंज को कभी भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्या वैल्यू है, सिर्फ उसको एड्रेस पता होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस एड्रेस को कहां पास कर देगा, इस फंक्शन डेफिनेशन पे पास कर देगा, एस्टिक ऑफ नम के अंदर आ जाएगा एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का एड्रेस कुछ भी हो वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी और एस्टिक ऑफ नम हम लोग यहां प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इस नम में क्या है, एक्स का एड्रेस है, वो एक्स के एड्रेस पे जाएगा, वहां से इस वैल्यू को एक्सेस करेगा और यहां पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो एक्स के एड्रेस पे गया, एक्स की वैल्यू को एक्सेस किया और यहां पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एस्टिक ऑफ नम के अंदर हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि उसके अंदर अभी वैल्यू 100 है, क्योंकि वो डायरेक्ट उस एड्रेस से एक्सेस कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पे num इक्वल टू num प्लस 100, ठीक है, num इक्वल टू num प्लस 100, ठीक है। तो num के अंदर क्या वैल्यू है, 100 है, ठीक है, num के अंदर एक्चुअल में एड्रेस है, एड्रेस के अंदर क्या है, 100 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस एड्रेस पे 100 ऐड करेगा, एड्रेस पे ऐड नहीं करेगा, वो उसकी वैल्यू पे ऐड करेगा, ठीक है, वैल्यू पे ऐड कर दिया। अब वैल्यू 100 से क्या हो गई, 200 हो गई, ठीक है, 100 प्लस 100 200 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंट डी।
अब यहाँ नम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे 200 प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 200। अब उसके बाद यहाँ कोई भी स्टेटमेंट्स और नहीं है, तो वापस कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, मेन में आएगा और इस फंक्शन कॉल के जस्ट बाद वाले लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ एक्स की वैल्यू हमने प्रिंट किया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, ठीक है। कैसे अपडेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस में अपडेट किया गया है, मतलब उसके एड्रेस के अंदर जाएगा और इसी एक्स की वैल्यू को वो अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू 200 ही प्रिंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस हो चुका है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 200 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ, हम लोग को एक ही वेरिएबल यूज करना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी हमारी हमारी बच गई, ठीक है, भले ही 2 KB की बची है लेकिन बच गई है, ठीक है। हम लोग उस 2 KB को दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं या दूसरे वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस पास करने का मतलब यही है कि हम लोग सिंगल वेरिएबल से काम चलाएंगे और उसी में अपडेट करेंगे, ठीक है।